हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे, तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर स्केच एडिटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्केच एडिटिंग टूल्स के अंदर स्केच फिलेट, स्केच चैम्फर, ट्रिम या एक्सटेंड एंटिटीज, मिरर एंटिटीज और ऑफसेट एंटिटीज, ये सारे आते हैं। आज हम स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर के बारे में जानेंगे और देखेंगे ये कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केच फिलेट यूज करने के लिए हमें एक स्केच ज्योमेट्री बनाना होगा। तो हम सिंपल सा एक कॉर्नर रेक्टेंगल बनाएंगे। अब हम यहाँ पर स्केच फिलेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्केच फिलेट कमांड का आइकन है, इसके बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करें। तो देखिए, स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर। तो पहले हम स्केच फिलेट देखेंगे। तो स्केच फिलेट पे क्लिक करें। तो अब आपका स्केच फिलेट का कमांड एक्टिव हो गया। फिलेट को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये कॉर्नर को राउंड करता है। उसके लिए हम स्केच फिलेट का यूज करते हैं। आप चाहें तो दो लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे दो लाइन मिल रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो हम पहला लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर दूसरा लाइन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, कॉर्नर पे एक रेडियस बन रहा है। इसका आप रेडियस दे सकते हैं 15 mm। एंटर। दूसरा, तीसरा, ये चौथा। आप चाहें तो कीप कॉन्स्टेंट कॉर्नर, इसको अनटिक कीजिए और ओके कीजिए। तो देखिए, चारों कॉर्नर पे स्केच फिलेट लग गया और उसका रेडियस 15 mm है। एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। उसके लिए हम पॉलीगॉन कमांड की मदद से एक हेक्सागॉन ड्रॉ करेंगे, 6 साइड का। स्केच फिलेट। दोस्तों, आप चाहे तो उस पॉइंट पे भी क्लिक कर सकते हैं जहां पे दो लाइन मिल रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो भी फिलेट लग जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे दो लाइन मिल रहा है तो हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो देखिए, सारे कॉर्नर पे फिलेट लग गया। इसका रेडियस 20 mm। एंटर। आप चाहें तो कीप कॉन्स्टेंट कॉर्नर्स को टिक कर सकते हैं और डायमेंशन ईच फिलिट को क्लिक कर सकते हैं। ओके। तो अब देखिए, जितने भी फिलिट लगे हुए हैं सारे के डायमेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पे ईच फिलिट डायमेंशन को टिक किया था। एक और हम ट्रेंगल बनाएंगे पॉलीगॉन कमांड की मदद से, 3 साइड का। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक बार में सारे कॉर्नर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केच फिलेट, आप कोई पॉइंट पे क्लिक करें, जैसे इस पॉइंट पे क्लिक करें और ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आएं और यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसका रेडियस 15 mm। एंटर। डायमेंशन ईच फिलेट
आप चाहें तो इसे अनटिक कर दीजिए और ओके। तो देखिए ये ट्रायंगल में तीनों कॉर्नर पे एक ही बार में हमने सेलेक्ट किया फिलेट का, तो ये लग गया और इसका रेडियस 15 mm। नेक्स्ट है स्केच चैम्फर, तो उसके लिए हमें एक स्केच ज्योमेट्री बनाना होगा, तो हम कॉर्नर रेक्टेंगल बनाएंगे। स्केच चैम्फर, तो यहाँ पे चैम्फर लगाने का दो तरीका दिया गया है। पहला है एंगल और डिस्टेंस, या पहला तो एंगल दीजिए और दूसरा डिस्टेंस देके चैम्फर लगा सकते हैं। दूसरा है डिस्टेंस टू डिस्टेंस, मींस कि आप दो डिस्टेंस देना होगा। और तीसरा है इक्वल डिस्टेंस, कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस चाहते हैं तो आप इस पे टिक करें। तो पहले हम एंगल डिस्टेंस देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही है, चाहे तो आप कॉर्नर के पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं या फिर दो लाइन को सेलेक्ट करेंगे। इसका 20 mm एंटर और ये 60 डिग्री एंटर, पहला लाइन और दूसरा लाइन। देखिए पहला लाइन और दूसरा लाइन, देखिए ओके। दूसरा अब हम कॉर्नर के पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। स्केच पर इसको करते हैं 30 mm एंटर और ये 45 डिग्री एंटर। देखिए इस पॉइंट पे क्लिक किया 45 डिग्री और 30, यहाँ पे क्लिक करें 30 और ये 45, ओके। अब दूसरा देखेंगे डिस्टेंस टू डिस्टेंस, उसके लिए हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल बनाएंगे। स्केच चैम्फर डिस्टेंस टू डिस्टेंस, इस पे क्लिक करें, पहला डिस्टेंस 40 एंटर, दूसरा 25 एंटर। आप चाहें तो दो लाइन को सेलेक्ट कीजिए या फिर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, तो हम पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखिए पहला 25 और दूसरा 40, उसी तरह। फोर्टी 25 यहाँ पे दीजिए, 30 एंटर, यहाँ पे 15 एंटर। अब दो लाइन को सेलेक्ट करेंगे, पहला दूसरा, देखिए 30 और 15, पहला दूसरा 30 और 15, ओके। एक और कॉर्नर रेक्टेंगल बनाएंगे, ओके। स्केच चैम्फर अब इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, इसका 20 mm एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करें। देखिए ये साइड भी 20 और ये साइड भी 20, उसी तरह उसी तरह। आप चाहें तो दो लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला दूसरा, देखिए 20 20, पहला दूसरा 20 20, ओके। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमें लिखें आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।